वेलकम टू क्रेजी मैथ ट्रिक। तो आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी सिस्टम को। तो बाइनरी सिस्टम से अक्सर दो ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो दोनों टाइप को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टाइप दो के प्रश्न देख लेते हैं। टाइप दो में क्या है, बाइनरी टू डेसिमल, यानी कि बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बाइनरी में है और इसको हमको डेसिमल में लाना है, यानी कि नंबर में लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का जो ट्रिक है उसको हम बताते हैं, आप लोग ठीक से समझिएगा किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, 0101, इसी को आपको लिख देना है। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद क्या करना है, एक नीचे आप खुद से करना है, एक गुने एक इंटू दो, दो दोनों चार, चार दोना आठ, आठ दोना सोलह, इस प्रकार से आपको लिख देना है नीचे, एक दो, दो दोना चार, चार दोना आठ, आठ दोना सोलह, यानी कि दोगुना तक चल जाना है जिसके सामने। अब आपको क्या करना है, जो जीरो रहेगा उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, मतलब कि इस प्रकार से आपको साइड कर देना, और जो बच्चा नीचे उसको आपको जोड़ देना है, यानी सोलह चार बीस और एक इक्कीस। तो आपका आंसर कितना आ गया, इक्कीस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर से समझते हैं, आपको पहले लिखना है एक दो, दो दोना चार, चार दोना आठ, दोना सोलह, जिसके सामने, और जिसके सामने जीरो रहेगा उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, यानी कि काट दीजिएगा, और जो बच्चा उसको आप ऐड कर दीजिएगा। देखिए जैसे हमने ऐड किया था, सोलह चार बीस, बीस एक इक्कीस, हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और लिए हैं, उसको कर लेते हैं। तो आ गए हैं हम अगला पर, क्या चीज़ है, उसी की तरह इसको भी लिख लेंगे, एक जीरो 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 एक, नीचे क्या करना है, एक दो, दो दोना चार, चार दोना आठ, आठ दोना सोलह, जीरो वाला को इग्नोर कर दीजिए इस प्रकार से, जो बच्चा उसको आप ऐड कर लीजिए, सोलह एक सत्रह, क्या चीज़ आ गया हमारा आंसर। तो आइए आप टाइप वन को देख लेते हैं। तो टाइप वन में है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये डेसिमल में आपको बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो इसको हम दो मेथड से बताने वाले हैं, मेथड वन और मेथड टू। तो आइए सबसे पहले हम मेथड दो ही को देख लेते हैं, आपको जो भी मेथड पसंद आए आप उस मेथड से कीजिएगा। तो आइए पहले मेथड दो को देख लेते हैं। तो मेथड दो में जिस प्रकार से टाइप वन में कर रहे थे, लिख रहे थे, एक गुने दो, दो दोना चार, चार दोना आठ, आठ दोना सोलह, अब आपको इसको में क्या करना होता है, आप किसको जोड़िए, यानी कि किस किस को जोड़ने पर आपको इक्कीस आ रहा है उस, देखिए तो हम जोड़ते हैं, सोलह चार बीस एक इक्कीस, यानी कि इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इक्कीस आ रहा है। तो जिसको जिसको जोड़ने पर इक्कीस आ रहा है उसके सामने आपको एक लिखना है, ठीक है। देखिए सोलह और चार बीस एक इक्कीस, इन तीनों को जोड़ने पर इक्कीस आ रहा था, तो उसके नीचे हम एक लिख दें, और जिसको जोड़ने पर इक्कीस नहीं आ रहा है उसके नीचे हम जीरो लिखेंगे। तो आपका यही आंसर आ गया, यानी कि आ गया आंसर आपका एक जीरो एक जीरो एक, ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए इसका मेथड वन देख लेते हैं। तो मेथड वन में क्या है, आपको क्या करना होता है वो देखिए, इक्कीस में आपको भाग लगाना होता है, ऑलवेज दो से लगाना होता है, ठीक है, दो से आपको भाग लगाना होता है ऑलवेज से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भागफल लिखाता है, यहाँ पर रिमाइंडर। तो आइए इसको कितने टाइम्स में लगेगा, दस टाइम्स में ये भागफल आ गया, रिमाइंडर आपका यहाँ पर लिखाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, दस दुना बीस एक इक्कीस, ठीक है, ऑलवेज दो से इसमें भाग लगाइएगा, भागफल यहाँ लिखिएगा, रिमाइंडर यहाँ लिखिएगा। तो देखिए भागफल पाँच बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो, पाँच दोना दस, ठीक है, फिर दो से, ऑलवेज दो से ही भाग लगाइएगा, ठीक है। तो कितना आएगा भागफल मेरा, दो, रिमाइंडर एक, दो दोना चार एक पाँच, ठीक है, फिर दो से लगाइएगा, ऑलवेज दो से भाग लगाना, ठीक है, कितने टाइम्स में लगाएगा, और जब तक भाग लगाना, जब तक कि आपका भागफल दो से छोटा ना हो जाए। तो दो गुना एक, दो आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। तो देखिए अब मेरा भागफल दो से छोटा हो गया है, तो बस रहने देते हैं। अब आपको क्या लिखना होता है, नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं, यानी कि एक है तो एक लिख दिए, जीरो है तो जीरो, एक है फिर एक, जीरो है, जीरो, एक है तो एक, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ भी आया था एक जीरो एक जीरो एक, यहाँ भी आया है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे कीजिएगा। तो चलिए एक और लिए हैं। तो नेक्स्ट आए हैं इस पर, आपको है 40 को कन्वर्ट करना बाइनरी में। तो आइए पहले मेथड दो से देख लेते हैं। मेथड दो में क्या था, लिखना होता था एक दो, दो दोना चार, चार दोना आठ, आठ दोना सोलह, सोलह दोना
32। अब आपको क्या देखना होता है, किस किस को जोड़ने पर आपको 40 आएगा। तो देखिए 32 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। अब जिसको जिसको जोड़ने पर 40 आ रहा है उसके नीचे एक लिखेंगे, अब बाकी सब के सामने 0। तो आपका यही आंसर हो गया, यानी कि आंसर क्या हो गया, 101000, ठीक है, समझ में आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देख लेते हैं इसका मेथड वन। मेथड वन में क्या रहता था, 40 में भाग लगाना होता है ऑलवेज 2 से, ठीक है। आइए लगाते हैं, कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में रिमाइंडर 0, 2 से 10 टाइम्स में रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर 2 टाइम्स में फिर 5 आएगा भागफल, रिमाइंडर आपका 0। फिर लगाइए 2 बार में, फिर 2 आएगा भागफल, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। फिर लगाइए 2 बार में, 1 बार में लगेगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो देखिए हमारा आ गया भागफल 2 से 6, तो अब रहने देते हैं। अब आपको क्या करना होता है, नीचे से लिखना होता है ऊपर की ओर। तो आइए लिखते हैं, 1 है, 0 है, 1 है, फिर 000 है। देखिए 1 था, 0 है, 1 है, फिर 000 है। तो आपका यही आंसर आ गया, यहाँ भी आया था वही, यहाँ भी आया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।